ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायपुर में करीब 7600 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और शुभारंभ करेंगे। साइंस कॉलेज मैदान में वे जनसभा को भी करेंगे संबोधित। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी करने का लिया निर्णय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज रायपुर में एम्स के क्रिटिकल केयर यूनिट की आधारशिला रखी, साथ ही सीपेट परिसर में बने बालक छात्रावास भवन का भी लोकार्पण किया। और आम आदमी पार्टी ने आज राज्य के सभी जिलों में महंगाई के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। अपने प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित दो कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यहां वे करीब 7600 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और शुभारंभ करने के साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री अपने रायपुर प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए लगभग 6400 करोड़ रुपए की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास करने के साथ ही राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर जो परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी उनमें जबलपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रायपुर से कोड़ेबोल खंड की 33 किलोमीटर फोर लेन सड़क शामिल है। ये राजमार्ग पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा जगदलपुर के पास स्थित इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चे माल और तैयार उत्पादों की आवाजाही के लिए काफी सहायक साबित होगा। साथ ही यह लौह अयस्क वाले क्षेत्रों को नजदीकी इस्पात संयंत्रों से जोड़ने का काम भी करेगा। प्रधानमंत्री इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 पर बिलासपुर से अंबिकापुर के बीच 53 किलोमीटर लंबे बिलासपुर पथरापाली फोर लेन खंड को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये सड़क छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बीच बेहतर परिवहन संपर्क प्रदान करेगी, साथ ही आसपास के क्षेत्रों में स्थित कोयला खदानों से कोयले के परिवहन के लिए भी काफी सहायक सिद्ध होगी। प्रधानमंत्री रायपुर विशाखापट्टनम 6 लेन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ खंड के लिए 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा वे 103 किलोमीटर लंबी रायपुर खरियार रोड रेल लाइन के दोहरीकरण परियोजना और केवटी अंतागढ़ को जोड़ने वाली 17 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। रायपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 130 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कोरबा में निर्मित 60,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बॉटलिंग प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी आयुष्मान भारत परियोजना के तहत लाभार्थियों को कार्डों के वितरण की शुरुआत भी करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, डॉ मनसुख मांडविया, अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जनरल वीके सिंह, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री की सभा की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नबीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह सहित वरिष्ठ नेताओं ने सभा स्थल का निरीक्षण किया और दिशा निर्देश दिए। प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने अपने अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत शासकीय कर्मचारियों के लिए पूर्ण पेंशन की पात्रता अवधि को 33 से घटाकर 30 वर्ष कर दिया है। साथ ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए पात्रता की अवधि को 20 से घटाकर 17 वर्ष कर दिया है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने आज की बैठक में चालू वित्त वर्ष के प्रथम अनुपूरक बजट के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक के प्रारूप को भी मंजूरी दी। राज्य मंत्रिपरिषद ने बस्तर और सरगुजा संभाग में शिक्षकों के 3,722 और सहायक शिक्षकों के 5,577 पदों पर भर्ती के लिए नियम को शिथिल करते हुए विषयवार पदों की भर्ती की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। वहीं कैबिनेट के एक अन्य फैसले में आम लोगों को सस्ती दरों पर मकान उपलब्ध कराने के लिए बाजार मूल्य संबंधित गाइडलाइन दरों को 30% कम कर दिया गया है। यह छूट 31 मार्च 2024 तक दी जाएगी। वहीं मंत्रिपरिषद ने रक्षा मंत्रालय की सैन्य छावनी की स्थापना के लिए बिलासपुर के चकरभाठा में करीब 1,013 एकड़ जमीन की एवज में भुगतान की गई मुआवजा राशि को वापस करने का निर्णय लिया है।
छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन अपनी अन्य मांगों पर राज्य सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिए जाने के कारण अपना आंदोलन जारी रखने की घोषणा की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उनकी नियुक्ति के संबंध में जारी अधिसूचना आज छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद टीएस सिंहदेव ने आज शाम राजभवन पहुंचकर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से सौजन्य भेंट की और राज्य से जुड़े विषयों पर चर्चा की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज रायपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में क्रिटिकल केयर यूनिट की आधारशिला रखी। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस यूनिट में 150 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यहां अति गंभीर मरीजों को एक ही स्थान पर सभी चिकित्सा सुविधाएं दी जा सकेंगी। इस अवसर पर डॉ. मांडविया ने भारतीय चिकित्सा प्रणाली को दुनिया की श्रेष्ठ प्रणाली बताते हुए कहा कि अब चिकित्सकों को मरीजों की रोग संबंधी विभिन्न जानकारियों पर शोध कर इलाज की तकनीक को एक नई ऊंचाई तक ले जाना होगा। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान इस क्षेत्र में जो कमियां सामने आईं उन्हें दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। एम्स के चिकित्सा शिक्षकों के साथ बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात का प्रयास कर रहा है कि पहले से स्थापित एम्स के वरिष्ठ चिकित्सक अन्य एम्स में जाकर कुछ माह के लिए अध्यापन करें ताकि उनके अनुभव का लाभ विद्यार्थियों को मिल सके। उन्होंने चिकित्सा शिक्षकों का आह्वान किया कि वे मेटा डेटा के माध्यम से शोध को नई दिशा दें। उन्होंने कहा कि 8 साल में मंत्रालय ने चिकित्सा शिक्षक की सीटें दोगुनी कर दी हैं, वहीं अगले 3 वर्ष में स्नातक और स्नातकोत्तर की सीटें बराबर कर दी जाएंगी। इसके साथ ही 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की अनुमति भी दे दी गई है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, रायपुर लोकसभा सांसद सुनील सोनी और एम्स के निदेशक डॉ. नितिन एम. नागरकर भी मौजूद थे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज सीपेट परिसर में 10 करोड़ रुपए की लागत से बने बालक छात्रावास भवन का भी उद्घाटन किया। इस छात्रावास के बनने से अब सीपेट में छात्रों और प्रशिक्षणार्थियों के लिए आवास की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे प्रदेश के युवाओं को तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। इस अवसर पर रायपुर सांसद सुनील सोनी भी मौजूद थे। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग के बारे में प्रदेश के जिलों में पदस्थ स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रतिभागियों को मिशन इंद्रधनुष के नए अभियान की भी जानकारी दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिल्ली में टीकाकरण के उपसंचालक तथा यूएनडीपी के टीम लीडर ने कार्यशाला में ऑनलाइन भागीदारी कर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बताया गया कि राज्य में मिशन इंद्रधनुष को 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी छूटे हुए बच्चों का सर्वेक्षण और चिन्हांकन करने के साथ ही यूएन प्लेटफॉर्म में पंजीकृत कर उनका टीकाकरण किया जाएगा। इसका पहला चरण 7 अगस्त से 12 अगस्त तक, दूसरा चरण 11 सितंबर से 16 सितंबर तक और तीसरा चरण 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा। यूविन के माध्यम से टीकाकरण के तुरंत बाद डिजिटल सर्टिफिकेट भी जारी हो जाता है। वर्तमान में इस प्लेटफॉर्म की पायलटिंग राजनांदगांव और महासमुंद जिले में की जा रही है। आगामी 7 अगस्त से प्रदेश के सभी जिलों में यूविन का उपयोग शुरू किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने महंगाई के मुद्दे को लेकर आज प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन करने के साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने आरोप लगाया कि अनाज से लेकर सब्जियों के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उससे आम नागरिक परेशान है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सरकारों को जल्द ही जनता के हित में फैसला लेना चाहिए।
एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने आज सुबह पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व महाप्रबंधक अशोक चतुर्वेदी के कुछ रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की। इनमें श्री चतुर्वेदी के पिता और उनकी बहन के अलावा बस्तर जिले के दरभा में पदस्थ विकासखंड शिक्षा अधिकारी राजेश उपाध्याय का निवास भी शामिल है। एसीबी के प्रमुख डीएम अवस्थी ने छापे की पुष्टि करते हुए बताया कि इन ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई जारी है। गौरतलब है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व महाप्रबंधक अशोक चतुर्वेदी को भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति जुटाने के आरोप में पिछले दिनों हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। प्रदेश में रायपुर के पास स्थित नवा रायपुर में देश का सबसे बड़ा थोक बाजार विकसित होगा। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 438 हेक्टेयर में प्रस्तावित थोक बाजार का निर्माण सेक्टर 27 में किया जाएगा। यहां छोटे बड़े सभी व्यापारियों के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। श्री बघेल ने रायपुर में आयोजित नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को थोक बाजार के निर्माण के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय मानसून द्रोणिका बंगाल की खाड़ी से लेकर राजस्थान तक बनी हुई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से ओडिशा तक एक चक्रीय चक्रवाती घेरा भी सक्रिय है। इनके असर से छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायपुर में करीब 7,600 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और शुभारंभ करेंगे। साइंस कॉलेज मैदान में वे जनसभा को भी करेंगे संबोधित। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज रायपुर में एम्स के क्रिटिकल केयर यूनिट की आधारशिला रखी। साथ ही सीपेट परिसर में बने बालक छात्रावास भवन का भी लोकार्पण किया। और आम आदमी पार्टी ने आज राज्य के सभी जिलों में महंगाई के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।